हेलो एवरीवन, मैं अमित आप सभी का पार्ट टू में फिर से स्वागत करता हूँ। फिर से हम अभिषेक भैया के पास में हैं। आज आपको स्कॉर्पियो एन दिखाने वाले हैं कि क्या क्या काम आज स्कॉर्पियो एन में हुआ है। ये Z6 गाड़ी थी, इसमें बहुत सारा मिड रेंज का काम हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं गाड़ी के पास में और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या काम आज इस गाड़ी में हुआ है। तो अब बारी है स्कॉर्पियो एन की। हमने एक वीडियो में पूरी गाड़ी को कवर नहीं करा है, तीनों गाड़ी को, क्योंकि तीनों गाड़ी को अगर हम कवर करेंगे तो बहुत लंबा हो जाता। तो स्टार्ट करते हैं अब स्कॉर्पियो एन की वीडियो को और अभिषेक भैया से जानते हैं कि क्या क्या काम इस गाड़ी में हुआ है। तो अभिषेक भैया, इसके पहला तो फॉग लाइट लगा, ये Z6 मॉडल गाड़ी है। ठीक है, Z6 है, ठीक है। तो इसमें ये फॉग लाइट लगाया गया है, फॉग लाइट लगा है इसमें आपका, ठीक है। इसमें अभी भैया का भी रिक्वायरमेंट नहीं है ग्रिल का, लेकिन अपने पास महिंद्रा जेन्युइन अवेलेबल है ग्रिल। हमने तो स्पेशली मतलब स्कॉर्पियो एन के लिए एक ऐसी वीडियो डाली है जिसमें कि बताया है हमने कि क्या आइटम नहीं है। तो ये एक आप लोगों को ग्लिम्स दे रहे हैं छोटा मोटा, क्योंकि जिस भी कस्टमर का अपना रिक्वायरमेंट जैसा होता है वो वैसा काम कराता है। तो बहुत सारे भाइयों का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है, तो इन कस्टमर का भी रिक्वायरमेंट अपना एक अलग था। तो नेक्स्ट अब बढ़ते हैं कि जो दूसरी आइटम लगाई गई है उस गाड़ी में क्या है। ठीक है, ये महिंद्रा जेन्युइन है, सब डब्बा पैक्ड आपको मिलेगा महिंद्रा, कोई नॉर्मल नहीं। क्या बात है, पार्ट नंबर MRP जिसको जो देख रहा है देख सकते हैं। सब कुछ आप कहीं से भी जाके इसको चेक करवा लीजिए, वैलिडेट करवा लीजिए। ये 100% जेन्युइन काम हुआ है और अलॉय व्हील कुछ इस तरीके से इस गाड़ी में लग रहा है और लुक्स तो कतई जहर। इसका मिलर फोल्डिंग भी अपने पास अवेलेबल है। अच्छा, इस गाड़ी में वैसे आता ही होगा मेरे हिसाब से, Z6 में नहीं आता है। ठीक है, तो भाई अपने पास डोरवाइजर लगा है आपको। ठीक है, ये भी महिंद्रा जेन्युइन दिख रहा है। इसका विंडो गार्निश लगा है आपका। अच्छा, महिंद्रा वाली। अच्छा, ये रिप्लेस वाला लगा हुआ है क्या? अच्छा, ओरिजिनल फिटिंग पे लगता है आपका। ठीक है, इसकी फिटमेंट भी आप कुछ देख सकते हैं। ये यहाँ से इसका पूरा ढांचा जो है वो खुल जाता है पुराने वाले का और इसको यहाँ से लॉक फिटिंग किया जाता है। नेक्स्ट ये जो सीक्रम ये पेस्टिंग वाला है। अब ये पेस्टिंग, हाँ, क्योंकि इसके लिए पूरा आपको ग्लास निकाल, ग्लास के साथ आती, हाँ, क्योंकि ये ग्लास खोलना पड़ता। बट ये भी महिंद्रा जेन्युइन में ही है। चलिए नेक्स्ट आइटम की तरफ अभिषेक भैया हम बढ़े। विथ महिंद्रा गेट बम्पर। अच्छा, ये कौन सा बम्पर बता रहे? महिंद्रा की बम्पर। अच्छा, ये भी महिंद्रा जेन्युइन आ रहा है। चलिए नेक्स्ट जो आइटम अभिषेक भैया लगी है इस गाड़ी में वो क्या है? भैया का नेसेसरी आइटम लगाना। अच्छा, हाँ, सिर्फ नेसेसरी आइटम ही लगाना, आइटम लगाना जो जरूरत के चीज है भैया को वही चाहिए, बाकी नेक्स्ट टाइम में फुल काम करवाएंगे। अच्छा, इसमें सॉफ्ट टच अपने पास अवेलेबल है। अच्छा, ये पूरा हार्ड प्लास्टिक है। हाँ, सॉफ्ट टच आता है। ये देखिए पूरा हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ पे सॉफ्ट टच का भी ऑप्शन अवेलेबल। तो पूरा डोर पैड चेंज करना पड़ेगा क्या? नहीं, इसी पे सॉफ्ट टच लग जाएगा आपका। अच्छा, ये रिप्लेस हो जाता है क्या? जिसको पियानो फिनिश चाहिए स्विच वो भी अवेलेबल है महिंद्रा जेन्युइन अपना। ठीक है, स्टेयरिंग कवर अवेलेबल है अपने पास। ठीक है, सीट कवर अवेलेबल है इसका। ठीक है, मैट फ्लोरिंग मैट्स अवेलेबल है, 70 मैट्स, जैसा चाहिए मैट वैसा मिलेगा आपको। की तो खैर बात ही नहीं करते हैं, ये एक सिक वैरायटी 15 से 20 ब्रांड का मैट है, चाहे आफ्टर मार्केट लेना हो चाहे जो आपका रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आप लगवा सकते हैं। सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराएंगे हमारे अभिषेक भैया। और क्योंकि ये ऑलरेडी Z6 है, इसमें सारे स्पीकर भी अपने पास अवेलेबल है। अच्छा, ये कौन से ब्रांड का सेंटर स्पीकर आता है? सोनी का आता है वो। लग जाता है इसमें? एकदम लग जाता है। बूफर लग सकता है या नहीं इसमें? बूफर तो फिर आपको डिक्की में डालना पड़ेगा। नहीं, वो सोनी वाला जो जेन्युइन वाला है वो लगा सकते हैं या नहीं इस वो गाड़ी? तो आपको छोटा रहता है ना यहाँ। नहीं, मैं डिक्की की बात कर रहा हूँ, लग जाती है। तो चलिए, अगर आप लोगों को अगर सोनी का बूफर भी लगवाना है तो वो भी लगवा सकते हैं, वीडियो में दिखाएंगे आपको लगाते। चलिए नेक्स्ट, जब भी हम वीडियो बनाएंगे तो वो कवर करने की कोशिश पूरी रहेगी हमारी। तो ये कुछ ओवरऑल स्कॉर्पियो एन है Z6 जिसको हमारे अभिषेक भैया ने बना दिया है टॉप मॉडल। दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं महिंद्रा का क्यों इतना क्रेज है बिहार में और क्यों अभिषेक भैया जाने जाते हैं महिंद्रा के लिए एक्सक्लूसिव। तो इतना जो हम वैरायटी आपको दिखाते हैं, तो पहले मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि इधर जरा दिखाए। ये पूरा जो गोडाउन है वो महिंद्रा के पार्ट से भरा हुआ है। तो यहाँ पे है पूरा महिंद्रा का ही पार्ट्स ही पार्ट्स, आपको पूरा जो इनका गोडाउन है आपको सिर्फ और सिर्फ महिंद्रा से ही भरा हुआ दिखेगा। ये रहा पूरा महिंद्रा से भरा हुआ पूरा एक काउंटर।
और ये डोर पैड्स रहे जो कि आपकी टॉप मॉडल को बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। और इवन ये एक दो नहीं कितने सारे अवेलेबल हैं जो आप आ करके अभिषेक भैया के पास में काम करवा सकते हैं। नॉट ओनली फॉर महिंद्रा, इवन आप मारुति की भी गाड़ी हुई। ये देखिए मारुति का जेन्युइन फ्रॉन्क्स का अलॉय व्हील यहाँ पे लग रहा है, ब्रीजा की है, ये देखिए सारे जेन्युइन पार्ट्स में आपको जो कोई भी एक पार्ट नंबर उठा के देख लीजिए किसी भी डब्बा का आपका, तो आपको सारे जो पार्ट्स मैं आपको दिखा देता हूँ सारे जेन्युइन हैं। आप कहीं से भी चेक करवा सकते हैं कि ये पूरा डब्बा पैक और एकदम ओरिजिनल आपको अलॉय तक आपको ओरिजिनल आएगा। ये रहा, ये देखिए, ये आप कहीं से भी जा करके क्रॉस वेरीफाई भी करवा सकते हैं वीडियो पॉज करके। और ये सारा अलॉय से लेकर के ए टू जेड सामान महिंद्रा जेन्युइन में मिलने वाला है। तो दोस्तों आई होप कि आपको महिंद्रा स्कॉर्पियो का काम पसंद आया होगा। अगर आपको काम कराना है तो अभिषेक जी से फटाफट एड्रेस जान लेते हैं। अभिषेक जी एड्रेस बताइए। कार स्टाइल एच कॉम्प्लेक्स कोटक महिंद्रा बैंक एग्जीबिशन रोड पटना। और भैया का नंबर भी स्क्रीन पे फ्लैश होता हुआ दिख रहा होगा, कॉल करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। कोई सी भी आपकी महिंद्रा की गाड़ी हो या किसी भी ब्रांड की गाड़ी हो टोटल एक्सेसरीज आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।